अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मालीराम जी। नमस्कार साहब। हाँ जीडीएस खबर यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। सर, नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है सर? सर बिल्कुल बढ़िया हाल चाल है। सर और बताओ। सर एक बात पूछनी थी, कल जो डिपार्टमेंट का आदेश आया सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर, सिक्योरिटी जी जी अमाउंट बॉन्ड को लेकर, उसमें जो पहले जी जी सिक्योरिटी राशि 50,000 25,000 थी, उसको बढ़ाकर जी 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो इसका इसको लेकर आपका आपके क्या सवाल क्या जवाब है? इसमें क्या है, दो डिपार्टमेंट के भी फायदा है, अपने भी फायदा है, हाँ, तो नहीं अपने समझे? को जीडीएस को कैसे फायदा है इसमें? जेडीएस का अभी ऐसा, अभी जैसे कि जो मेरी मेरी बात, बात एक मैं मेरी बात सुनो, एक ये बार तो जीडीएस से भी इसको नेगेटिव नेगेटिव ले रहे हैं, जैसे कि पहले मैं पच्चीस बताऊं, हजार जमा कराते तो अब 1,00,000 रुपये जमा कराने होंगे, तो सभी जीडीएस मेरी के बात बीच में वो बहुत सा सवाल है। मेरी बात सुनो, अभी अपनी जो भर्ती प्रक्रिया होती है मेरिट हाँ बिल्कुल के आधार से हो रही है, बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ लड़के जॉन करते हैं फिर बाद में छोड़ के चल जाते हैं, उसमें हाँ कर्म परेशान कौन सा होता है? जो पुराना जो आदमी काम कर रहा है 20 साल से, क्यों बिल्कुल, उसको डबल बीओ का काम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, हाँ, करना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, आप बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है ये तो। और अच्छा, जो नया लड़के है उनको ये भी पता है भाई, ग्रामीण डाक चौको जो वेतन है 15,000 रुपये दिया जा रहा है, फिर भी वो जॉन कर रहे हैं, कर रहे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब ऐसे जैसे मान लो 1,00,000 रुपये हो जाएगी तो लोग दुखे तो सुनो, जो भर्ती जो फले बात राजस्थान की बात मानो आप, राजस्थान में 8,934 का डाक रहा है, ठीक हाँ है, उसमें तो 4,000 ही कार्यरत है अभी, और जो बिल्कुल 1,577 की जो पोस्ट है भरी है उसमें से 30% ही लोग आए हैं, बिल्कुल और इससे क्या, जो भर्ती डिपार्टमेंट को हम मुद्दा लेते हैं साहब भर्ती करो, तो वो कह रहे भर्ती ली है, वो प्रोसीजर चालू है, अब वो प्रोसीजर 2 साल लगा रहे हैं, क्यों हाँ हाँ लोग आते हैं पर वो छोड़ के चल जाते हैं, तो इसका कौन परेशान हो रहा है? इधर डिपार्टमेंट को नुकसान होता है, उधर जो गरीब बेचारे ग्रामीण डाक से उसको नुकसान हो रहा है, एक एसओ है उसको दूसरी जगह लगाएगा, क्यों आउटसाइड लगाने की भर्ती बंद कर दी डिपार्टमेंट ने, कानून हाँ हाँ पर आउटसाइड नहीं लगाएंगे तो परेशान कौन होगा, बताओ आप बताओ, हाँ नहीं बिल्कुल, जीडीएस ही इधर परेशान होगा, परेशान होगा ना, तो नुकसान किसको हो रहा है? जीडीएस को हो रहा है। जीडीएस भी हो रहा है, जीडीएस का शोषण होगा, वो दूसरी जगह काम करेगा, डबल अब काम करना इसमें पड़ेगा। इसमें जो जो सिक्योरिटी राशि बढ़ाई, इसमें वही लोग आएगा जो काम करेगा, बिल्कुल इसकी सोच कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। आज जो जीडीएस का जो शोषण हुआ है वो अभी 5 साल में ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरिट के आधार से भर्ती करी है डिपार्टमेंट ने, मेरिट के आधार से करने से लोग अच्छे पढ़े लिखे आते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में चल जाते हैं, पोस्टें खाली हो जाती है, पोस्टें खाली होते तो बचे हैं लोग, उनको डबल काम ट्रिपल काम टारगेट दे रहा है डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही बात यदि है। आदमी होगा तो डिपार्टमेंट भी चलेगा, कर्मचारी का शोषण भी नहीं होगा। डिपार्टमेंट को यूनियन या सभी मुद्दे लेते हैं साहब, पोस्टें भरो, तो वो कर्म तो भर रखे हैं पोस्टें, लोग आ नहीं रहे, हम क्या करें? जब तक तो पूरी हमारी प्रक्रिया 5 की प्रक्रिया नहीं होगी जब तक हम भर्ती नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका बिल्कुल संशोधन कहाँ होगा? नहीं, अब ये हाँ 1,00,000 की जो सोच रहेगी जीडीएस में तो वो फार्म भरेगा जो वास्तव में नौकरी करेगा, ठीक है। सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? आप इससे थोड़ा गौर से सोचिए, आगे के बहुत से देखिए। नहीं, ये बात वैसे भी सही है बात, तो हाँ, जो जो सिक्योरिटी राशि देखो, पहले गांव में क्या होता था, जिस अभ्यर्थी के पास पट्टा होता था आए है ना, जमीन उसी को वाला जीडीएस में नौकरी, हाँ जमीन, उसी को नौकरी दी जाती थी, बिल्कुल, अन्य हाँ को नहीं दी जाती थी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, पुराने जीडीएस से उनके, हाँ सही है। हाँ, उसी का पैटर्न हुआ, फिर धीरे धीरे जनता में जागरूकता आई, लोगों में जागरूकता आई, तो उसमें फिर वो पट्टा उठा दिया, कहीं पट्टा था ये हो गया, अब ये होने से क्या लोग 15 दिन नौकरी के लिए 20 दिन लगे, डिपार्टमेंट में फ्रॉड करके ले गए, जनता के पैसे ले गया, उसकी जिम्मेदार कौन है? हाँ बिल्कुल सही बात है। है, आज आपने देखा होगा 20% फ्रॉड हो रहा है, आप हम नहीं करें कर रहे हैं लोग, अपना अपने कर्मचारी कैसा भी वो अपना आदमी अपना परिवार आरोप नहीं लगा रहे हैं, फिर भी हाँ कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे सुनने में आता है। आ रहा है अभी हाँ भी आज राजस्थान में, मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, 5% अभी भी फ्रॉड हो रखे हैं, मनेगढ़ है, नरेगा है, SBRD उनमें, और वो लोग छोड़ के इस नौकरी को दूसरी नौकरी में लग गए, हाँ जैसे प्रमोशन हो जाए या कुछ भी नई जॉब लग जाती नहीं उनकी। हाँ हाँ नहीं, पर वो दूसरी जगह चल गई, 80% के थे हाँ तो हाँ दूसरी जगह उनका नंबर आ गया, फिर वो तैयारी कर रहा है जेडीएस की नौकरी करते हुए, तैयारी भी कर रहे हैं अदर और एग्जाम फ्रॉड भी दिया। करा था, अब उस गांव में तो खाते नहीं खुलाएंगे ना, वो क्या कहेंगे पहले वाला डाक के हमारा पैसे खा गया, हाँ वो दूसरे जो आने वाले उसके लिए परेशानी। आ गए ना, उसको कोई खाता नहीं खुलाएगा, तो नुकसान किसको हुआ? कर्मचारी को हुआ, डिपार्टमेंट को हुआ, सभी को तो हाँ ये हमारा सुझाव है, चलो तो सिक्योरिटी राशि लो, पर इस सिक्योरिटी राशि एक फायदा हो गया, वो लोग वो टिकेगा जो काम करेगा, ठीक है। अब आपके सुझाव बताओ, आप क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं नहीं आप सर, हमारी कोई राय नहीं है, हम हमारे जो कमेंट आ रहे हैं उसके थ्रू हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, हाँ हम मैंने तो आप, हमारी क्वेश्चन सही है गलत है? नहीं नहीं बिल्कुल आपकी सोच भी बिल्कुल सही है,
इसमें जो लायक आदमी होगा, जो काम करने का इच्छुक होगा, वही अब भर्ती भर्ती इसमें शामिल होगा, जो जो पैसे जमा कराएगा फिर यहाँ नौकरी कर पाएगा। कर पाएगा है नहीं नहीं बिल्कुल ना। आपकी बात भी सही है। हम तो डिपार्टमेंट को अभी भी ये कह रहे हैं, एक अभी मुद्दा ले रहे हैं हम, जो 40 साल का अब हुआ है हाँ आदमी बिल्कुल उसको सिर्फ पब्लिक सिटी के लिए रखो उस गांव में, हाँ और हाँ सारे शाखा डाकघर डबल कर दो, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत ताकि बढ़िया। जो 40 साल वाला आदमी है वो घर घर में जाएगा और डाक विभाग के बारे में बताएगा, भाई हमारी ये योजना खाता खोलेगा। अच्छा जो लड़का पढ़ा लिखा आ रहा है मेरिट के आधार से, वो बैठ के मोबाइल से काम करेगा हाँ सही है, ये भी सुझाव अच्छा है आपका भी। ना? तो हम डिपार्टमेंट को सुझाव दे रहे हैं, इससे क्या जुड़ जाएगा। आज बैंक में क्या होता है, बैंक में तीन चीज की फैसिलिटी है, बिल्कुल उन्हें कौन सी, एक तो बैठने की, हाँ एक टाइम पीरियड की, एक केस की। सही हाँ हाँ बिल्कुल, कह रहा हूँ गलत कह रहा ये हूँ? तीनों फैसिलिटी अच्छी है और रहती है बैंकों हाँ में। तो इस, हाँ आज अपने पास सब सुविधा होते हुए भी अपन थोड़ा सा दिमाग और कम्युनिकेशन गैप की वजह से अपन गाठे में, अधिकारी गाठे में बता रहा है, पर नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम कुछ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, जब होगा वे 40 साल के बाबा वाले को पब्लिसिटी को आदमी रखो दो, तो वो बैठेगा और 8 घंटा कर दो आप, 8 घंटा करेंगे तो आपके सारे बैंक फेल, हिंदुस्तान का ऐसा कोई वो डाकघर नहीं है जो गाठे में जाएगा, जनता जुड़ेगी। बिल्कुल जनता आज जनता जुड़ेगी। चाहती है, आज जनता चाहती है तीन ही चीज, प्रेम हाँ बैठने के लिए और सुविधा, किसी बिल्कुल को भी टाइम नहीं है, और ये तीनों चीजें हैं अपने पास। बिल्कुल सही बात है। क्यों, यदि कर्मचारी जो भर्ती होगी उसको अच्छा वेतन देगा तो वो जुड़ेगा, बैठने के लिए टेबल कुर्सी रहेगी जनता को तो वो अच्छा रहेगा। एक आदमी 45-40 साल वाला पुराना आदमी वो घर घर में जाके समझाएगा तो वो जनता आएगी अपने आप ही, बिल्कुल सही बात है। और उसको पता भी रहेगा। आज जैसे सुकन्या खाता मान लो, भाई हाँ बच्ची जन्म गई तो पंचायत में कहेगा जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए तो बताना, ये आसपास वो घूमेगा तो उसको ऑटोमेटिक पता रहेगा, उसका सुकन्या खाता खोल ले जाके, ये लो फार्म ये भरो, ये हमारे पोस्टमार्टम साहब के पास चलो अभी खुलाता हूँ। नहीं बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो खाते अपना आप खुलेंगे। अपन जो डाक विभाग की जो स्कीम है वो बाद में आती है, 5 साल बाद में, उससे पहले तो अन्य जो संगठन वो बैंक है और वो करके बैठ जाते हैं, LIC है। नहीं हाँ बिल्कुल तो ये सही भी, बात है। इसके लिए भी एक थोड़ा अपन को बोलना पड़ेगा डिपार्टमेंट को और अधिकारियों को, संचालन सरकार को। हाँ सर, तो ये मैं, हाँ इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि जो बीओ की लिमिट है 25,000 लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक जमा कर सकते हैं निकाल। वो लिमिट के लिए तो हमने लिखा ना, जो RD जो आवर्ती जमा योजना है नहीं सर, जो सावधि जमा, मैन तो टाइम, जो सावधि, टाइम टाइम डिपॉजिट है, जिसमें कि एक हाँ एक लाख तो के सावधि कस्टमर, जमा, हाँ एक एक लाख के कस्टमर आते हैं, वो टुकड़ों में कभी TD नहीं कराना चाहिए कोई भी। नहीं कराने चाहेंगे यार, हाँ तो इसके तो लिए हमने लिखा, हमने, आपने देखा होगा मैंने चिट्ठी लिखी है कि हाँ PMG हमारे राजस्थान सर्किल में लिखा है, उनको कहा डाक भवन को लिखो कम से कम 1 लाख रुपए तो एक RD वो पासबुक बननी चाहिए, हाँ तो 1 लाख, लिमिट हाँ लिमिट बढ़नी, हाँ इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ 5 लाख की लिमिट होनी चाहिए। पहले पहले थे ना 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक एक साथ DD जमा हाँ कर पहले सकता पहले था। मनी ऑर्डर के टाइम में बहुत ज़्यादा लिमिट होती थी बीओ हाँ की। हाँ बी नहीं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत गया है भाई साहब, मतलब 2004 के बाद में तो लिमिट ही हटाई है, नहीं 2004 से पहले लोगों ने मतलब पचास पचास एक एक लाख रुपए कमीशन कमाता था हमारा GTS। बिल्कुल अभी कमीशन बिल्कुल सावधि बंधन में आ चुका है। जमा नहीं, जीरो हो गया, बिल्कुल है ही नहीं। क्यों, पार्टी कहता है आप किसी वाला मेरे पैसे बरत रहे हो, हाँ बट सही है साइकोलॉजी अलग है, SP 26 आप काट नहीं रहे हो तो जनता को विश्वास कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ये भी थोड़ा, इसके लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश, थोड़ा आगे जाके थोड़ा नहीं नहीं बैठ के। हाँ ये जो जो इससे जो कमीशन में GDS से बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, बहुत पहले जैसे कि बहुत ज़्यादा कमीशन मजा जाता था, बहुत बढ़िया कमीशन मजा जाता था अरे GDS मेरी का। बात है, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले वाले GDS से एक GDS 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाते, आवर्ती जमा योजना, इतने पैसे आते थे लोगों के पास। क्यों, सुविधा थी, आते पास बनाए था, अलग बचत की एक योजना थी राजस्थान सरकार द्वारा, तो उसमें सोने के सिक्के चांदी के सिक्के घड़िया कूपन सिस्टम खूब सारे थे, एक जागरूकता थी लोगों में। बिल्कुल सही नहीं बात है। अब सरकारों की तरफ से भी जागरूकता मिट गई और कर्मचारी की तरफ से भी रुके, और डिपार्टमेंट में एक ही चीज रहा सिर्फ साइकोलॉजी, टारगेट टारगेट बिल्कुल टारगेट 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 ये है। तो जैसे कि वो दूसरा टारगेट वो भी कम कर दिया, जैसे अभी इंडिया पोस्ट का बहुत दबाव बनाया जाता है GDS पर देखो कि आपका आप। इंडिया पोस्ट, सुनो इंडिया पोस्ट दो तरीके से चल सकता है, नहीं वो शाखा GDS, डाकघर, मेरी बात सुनो सुनो, GDS ही चलेगा, GDS से ही नहीं चलता है, मैं और GDS ही मैं तो चलेगा। मैं क्या करूँ, सभी शाखा डाकघर डबल एंड हो, हाँ और जो बिल्कुल 40 के ऊपर वाले उनको पब्लिक सिटी में लगाए, उस जो ग्राम पंचायत में शाखा डाकघर 8 गाँव आते हैं उसको उसी में लगा, 8 घंटे का वेतन दे, फिर सारे बैंक फेल हिंदुस्तान के, सिर्फ IBP चलेगा। नहीं, इंडिया पोस्ट पेमेंट में बहुत बढ़िया तो सुझाव है, बट इसमें भी मैं ये तो कह रहा हूँ, अच्छी जो बना है अच्छा बना है, पर उसमें नहीं, दो कर्मचारी की आवश्यकता है। पर GDS का कहना है कि हम इंसेंटिव पर काम नहीं करेंगे। अभी जो इंसेंटिव आ रहा है, एक किधर एक रुपया 2 रुपया इतना इंसेंटिव आ रहा है, खुद को भी शर्म आ जाती है। नहीं, तो
तो उसके लिए तो हमने मना, हमने डिपार्टमेंट को मना कर रहे हैं ना, संचार मंत्री जी को मना किया है, और इंस्टीट्यूट मत रखो, साका डाक 8 घंटा खोलने का प्रावधान करो, सारे साका डाक डबल एंड करो, जैसे आपका बैंक ट्रिपल एंड है तो हमारा साका डाक डबल एंड करो, फिर आप ग्रोस करो, इनकम कौन ला रहा है? बिल्कुल सही बात है। हाँ ये वो डबल एंड करेंगे, एक आदमी काम करेगा एक बैठेगा, तो वो तो सही है ना। अब जनता को चाहिए ऑफिस खुला, बिल्कुल आपका हमारा नेटवर्क जिस इलाके में जिस जैसा नेटवर्क हो, मतलब आइडिया हो तो आइडिया का है, बीएसएनएल तो बीएसएनएल का, तो है ना वो तो। हाँ हाँ।